22 जनवरी 71 की अव्यक्त मुरली। दिल तख्त नशीन आत्माओं की निशानी। आज बाप दादा ने विशेष हम बच्चों को कुछ एक गहरी धारणाएं पक्की कराई है, जिसके आधार पर हम बाप समान बनकर बाबा के दिल तख्त नशीन बन सकते हैं और साथ में बाप को प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि आज बाप दादा जो संगठन को देख रहे हैं, वो संगठन है ब्रह्मा बाप की भुजाएं। इस संगठन को बाप दादा के मददगार, वफादार और बाप दादा के दिल तख्त नशीन मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे। तो बाबा ने आज टाइटल दिया, फिर कहा इतने अनेक टाइटल्स इस ग्रुप को प्राप्त हुए हैं। जो बच्चे दिल तख्त नशीन होते हैं, उन्हों की निशानी क्या होती है? एक तो जब भी कोई तख्त पर बैठते हैं, तो तिलक और ताज दोनों तख्त नशीन की निशानी होती है। इसलिए दिल तख्त पर विराजमान आत्माओं की भी यही निशानी होती है। उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आएगा। बाबा ने ये पहली निशानी बताई कि कौन सा तिलक नजर आएगा, आत्मिक स्थिति। माना निरंतर ये आत्मा आत्मिक स्थिति में रहती है, जिससे वो सितारा चमकता हुआ नजर आता है। दूसरी बात, सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों में, मुख में दिखाई देती है। मुखड़े से ये सब स्पष्ट दिखाई देता है। और तीसरी बात, उनका संकल्प, वचन, कर्म बाप के समान होता है। चौथी बात, जिन आत्माओं की सर्विस करते हैं, उन आत्माओं में भी स्नेह, सहयोग और शक्ति, तीनों ही गुण धारण कराने की उसमें शक्ति होती है।
तो ये चारों निशानी के आधार से चेक करो कि ये कहां तक दिखाई देती है। जैसे जो स्वयं बनता है, होता है, वैसे ही वो समान बनाता है। तो यहाँ बाबा ने गहरी बात बताई हमें कि बच्चे जो जैसा होता है ना, वैसा ही वो दूसरों को बनाता है। तो जो बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे होते हैं, उनकी ये धारणा होती है, जो पक्की कराई आत्मिक स्थिति, शुभ भावना, फिर बाप समान संकल्प, वचन, कर्म और आत्माओं में भी स्नेह भरने की शक्ति। बाबा के सामने विशेष टीचर्स बहने हैं, तो बाबा ने कहा कि अपनी रिजल्ट को देखते हो ना, कोई में स्नेहीपन की विशेषता है, कोई में सहयोगीपन की, लेकिन शक्ति रूप की धारणा कम दिखाई देती है। कमी की निशानी क्या है? एक बात तो सुनाई, सर्विस की सफलता नहीं है। और हर बात में क्यों, क्या, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क बहुत होगा। ऐसी आत्माएं जिसमें शक्तिपन की कमी है ना, तो बाबा ने कहा उनको हर बात में क्वेश्चन मार्क बहुत होगा। फुल स्टॉप देना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए स्वयं ही क्यों, क्या, कैसे की उलझन में होगा। दूसरी बात, वह कभी भी समीप आत्मा नहीं बना सकेगा। संबंध में लाएंगे लेकिन समीप संबंध में नहीं लाएंगे। ब्राह्मण कुल की जो मर्यादाएं हैं, उन सर्व मर्यादाओं स्वरूप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि स्वयं में शक्ति कम होती है, इसलिए औरों में भी इतनी शक्ति नहीं ला सकते जो सर्व मर्यादाओं का पालन कर सके। कोई ना कोई मर्यादा की लकीर उल्लंघन कर देते हैं। बाबा कहते ये कमी रह जाती है बच्चों में जिसमें शक्तिपन की निशानी कम है, वो कहाँ ना कहाँ कोई मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं। इस कारण मर्यादाओं पर चलने में शक्ति कम दिखाई देती है। तो जिसकी सेवा करते हैं उन्होंने भी शक्ति कम होने के कारण हाई जंप नहीं दे सकते, संस्कारों को मिटाने में समय बहुत वेस्ट करते हैं। अब इन सब बातों से अपने स्वरूप को चेक करो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, श्रेष्ठ फल तैयार करने के लिए संस्कारों को मिटाने की शक्ति भी चाहिए, यह हुई धरती उखाड़ने की शक्ति। जैसे कोई बढ़िया फल तभी मिलता है जब इन सब बातों का ध्यान रखते, धरती उखाड़ने का, बीज डालने का, जल डालने का, तो यहाँ पर भी संस्कारों को मिटाकर धरती को उखाड़ना है। उसके साथ सभी चीजें बीज डालने वाले देखते हैं, वैसे स्नेही भी बनावे, सहयोगी भी बनावे और शक्ति रूप भी बनावे, तभी फल निकलेगा। हाँ, तो आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि बच्चे हर आत्मा को स्नेही भी बनाना है, सहयोगी और शक्ति स्वरूप भी। तो आज शक्ति स्वरूप क्या होता है, बाबा ने उनकी परिभाषा बताई कि शक्ति स्वरूप आत्मा एक तो क्यों क्या के क्वेश्चन में कभी भी नहीं आएगी, सर्व मर्यादाओं का पालन करेगी और उन स्वभाव संस्कार मिटाने में भी सहज होगा, तो वो दूसरों को आप समान बना सकती है। तो ऐसे शक्ति स्वरूप बनना है, तभी बाप के दिल तख्त नशीन बन सकते हैं।
तो उसके आधार से फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, आप लोग एम ऑब्जेक्ट सुनाते हो तो क्या सुनाते हो? देवता बनना है, देवताओं की महिमा सर्वगुण संपन्न है, तो लक्ष्य रखना चाहिए सर्वगुण एक एक आत्मा में भरने का प्रयत्न करना चाहिए। आप टीचर्स को हर एक से मेहनत इतनी करनी चाहिए जो कोई आत्मा ये उलहना ना दे कि हमारे निमित्त बने हुए टीचर ने हमको इस बात पे ध्यान नहीं खिंचवाया। वह करे ना करे, वह हुई उनकी तकदीर, परंतु आप लोगों को सभी के ऊपर मेहनत करनी है, नहीं तो अब तक के रिजल्ट में कोई ना कोई उलहने अभी तक भी रहे हुए हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, सर्व बातें उन्होंने भरना है तो फिर वो फल भी तो लायक होगा ना। आप सोचो, जितना कोई बड़ा आदमी होता है उनके सामने कौन सा फल रखेंगे, बड़ा भी और बढ़िया भी हो। साकार में भी कोई चीज लाते थे तो क्या देखते थे? तो अब बाप दादा के आगे भी ऐसे जो फल तैयार करते हैं वही सामने ला सकते हैं। है? तो बाबा ने मिसाल दिया कि ब्रह्मा बाबा के सामने भी जब फल लेके जाते थे ना बच्चे, तो देखते थे अच्छा है, बढ़िया है। तो ये ध्यान रखना है, जितना जो स्वयं जितने गुणों से संपन्न होता है उतना औरों में भी भर सकता है। हर एक रचयिता की सूरत रचना से दिखाई देती है। तो बहुत गहरी बात आज बाबा हमें बार बार पक्का कराते कि बच्चे, आपके अंदर जो होगा ना वही रचना में दिखाई देगा। इसलिए यह ध्यान रखना है, जितना जो स्वयं गुणों से संपन्न होता है उतना औरों में भी भर सकता है। तो हर एक रचयिता की सूरत रचना से दिखाई देती है। आप लोगों के लिए सर्विस एक दर्पण है, जिस दर्पण द्वारा अपने अंदर की स्थिति को देख सकते हो। जैसे दर्पण में भी सूरत स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे सर्विस रूपी दर्पण में अपनी फीचर्स या सूरत नहीं लेकिन सीरत का साक्षात्कार होता है। सर्विस सीरत का आईना है। अगर अब तक स्पष्ट साक्षात्कार नहीं होगा तो अपने को संपूर्ण कैसे बना सकेंगे? जब अपनी कमजोरियों का मालूम होगा तब तो शक्ति भर सकेंगे ना। इसलिए अगर स्वयं के साक्षात्कार में कोई स्पष्टीकरण न हो तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा मदद ले अपना स्पष्ट साक्षात्कार करने का प्रयत्न जरूर करना है। ये बाप दादा का काम नहीं, बाप दादा का कर्तव्य है इशारा देना। तो यहाँ भी बाबा ने हमें ये बात स्पष्ट की कि बच्चे अपनी स्थिति को चेक करो और नहीं अगर पता चलता है तो निमित्त आत्मा के द्वारा भी आप अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण ले सकते हो। फिर बाबा ने टीचर्स को कहा, टीचर्स को अपने फरिश्तेपन के फीचर्स द्वारा सर्विस करनी चाहिए। टीचर्स द्वारा यह शब्द अब तक नहीं निकलने चाहिए कि यह मेरी नेचर है। यह कहना शक्तिहीनता की निशानी है। हाँ, देखो बाबा ने कितनी गहरी बात बताई। कभी कभी हम कह देते हैं ना, ये मेरी नेचर है, तो बाबा ने कहा ये भी शक्तिहीनता की निशानी है।
पुरुषार्थ शब्द, पुरुषार्थ शब्द से यूज करते हैं। पुरुषार्थ शब्द से छुड़ाने का साधन क्या है? आप लोगों के शब्द रचना द्वारा भी आपके सामने स्पष्ट दिखाई देता है। सदैव ऐसे समझो जैसे कोई गुंबज में जो आवाज किया जाता है ना, वह लौट कर अपने पास आता है। तो इतना अटेंशन अपने संकल्पों पर भी रखना है। कहां कहां से ये समाचार आते हैं कि आजकल स्टूडेंट्स सुनते नहीं, मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, वहां के वहां खड़े हैं, तो ये रिजल्ट क्यों? हाँ देखो, बाबा ने कहा ये रिजल्ट क्यों, यह भी अपनी स्थिति का रिटर्न है। बाबा ने आज गुम्बज का मिसाल दिया ना, कि अगर हमारी स्थिति ऐसी होगी तो स्टूडेंट की स्थिति भी ऐसी होगी, तो स्थिति का रिटर्न है। क्योंकि स्टूडेंट भी चलते चलते निमित बनी हुई टीचर्स की कमजोरियों को परख कर उसका एडवांटेज उठाते हैं। तो देखो आज बाबा ने कैसे अपने परिवार में चलना है उसे स्पष्ट किया है। अगर टीचर है तो टीचर को भी कैसे अपनी कमियों के ऊपर अटेंशन देना है। अगर अपने अंदर शक्ति होगी तो गुंबज की तरह वही आवाज आएगा। इसलिए टीचर को भी स्वयं को फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित रखते हुए सेवा करनी है। फिर बाबा ने सबके लिए कहा, बच्चे सर्विस ये एक दर्पण है। देखो हम देखते हैं ना कि जब हम सर्विस में आते हैं, संगठन में सेवा करते हैं, तभी तो स्वभाव, संस्कार, अनेकानेक बातें सामने आती है ना, इसमें हमारी स्थिति का पता चलता है। तो सर्विस से हम अपनी स्थिति को चेक कर सकते हैं। और बाबा ने तो कहा, बच्चे आप लोगों को तो सर्व गुण संपन्न बनने का लक्ष्य रखना है, तो स्वयं को चेक करते जाना है शक्तिशाली कहाँ तक बने। तो आज बाबा ने गहराई से हम बच्चों को इन धारणाओं को स्पष्ट किया। इसके आधार पर हम बाप के दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। कभी कभी हम लोग ये सोच लेते हैं कि हम इतना क्यों सहन करें, हमें ही सब कुछ सुनना है, सब कुछ ड्रामा कह के छोड़ देना है। लेकिन आज बाबा ने कहा, बच्चे यही तो दिल तख्त नशीन बनने की धारणाएं हैं। क्यों, क्या मैं नहीं जाना, फुल स्टॉप लगा देना, आपस में स्नेह का व्यवहार करना, बाप समान कर्तव्य करना, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना, ऐसे बच्चे ही दिल तख्त नशीन बनते हैं। तो अब हम स्वयं के कर्मों पर इतना अटेंशन रखेंगे तो अपने आप को एक चमकता सितारा देखें। मैं आत्मा दिल तख्त नशीन आत्मा हूं, दिव्य गुणों से संपन्न, शक्तिशाली, मर्यादाओं से संपन्न आत्मा हूं, बाप समान हूं। आज बाबा ने जो कहा, बच्चे अपने फरिश्तेपन की स्थिति से सेवा करनी है, सदा ही आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर सबको स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बनाना है, सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखनी है।